अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है अपना कॉकटेल की ऊपर, कॉकटेल की कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखानी है आपको और कुछ पट्टे वगैरह भी अवेलेबल हैं आपके लिए। तो दिखाता हूँ कॉकटेल की किस तरह से सेटिंग करी हुई है। कॉकटेल की मैंने इस तरह से सेटिंग करी हुई है, जैसे कि ये मेरा बैक साइड का एरिया है, तो इस साइड पे कॉकटेल की केज लगाए मैं, और जो फ्रंट का एरिया है डव को धूप चाहिए होती है तो डव को उस साइड पे दिया हुआ, और सेंटर में मिक्स टाइप के कुछ बर्ड्स लगाए मैं, अपना जावा वगैरह भी हैं और अपना लोटिनो फिशर वगैरह भी है। तो आपको दिखा कंटिन्यू करते हैं कॉर्नर से ब्रीडिंग कैसी चल रही है और किस टाइप के पेयरिंग हुई हुई है। पेयरिंग देखें यहाँ से, पेयर नंबर वन, ये मेरे माशाल्लाह से घर के पुराने प्यारे हैं, अडल्ट हैं, ब्रीडिंग करते रहते हैं, अपना देख सकते हैं पाइट के साथ, पाइट मेल और क्रीम की फीमेल। इसी तरह से ये जो है इसको भी दिखा देते हैं, देखें पाइट और पर मिक्स। तो ढकना इसलिए हटाया हुआ है क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी, तो जिसकी वजह से ढकना हटाया है। अभी इतनी ठंड हुई नहीं है कि दोबारा से ढकने लगाए हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है। ये पैर भी अंदर बैठा हुआ है, इसने भी कुछ करा हुआ है, ये देखें इसका बच्चा बाहर घूम रहा है। ऑफ सीज़न के अंदर ब्रीडिंग करी थी, ये देख सकते हैं एक ऑफ पैर जो है वो अंदर बैठा हुआ है, पूरा क्रीम पाइट। काफ़ी तर पैर जो है मेरे पास क्रीम पाइट के अंदर है। ये एक नया केज लगाया था मैंने 1.5x2 का, ये 2x2 का साइज़ है, ये 1.5x2 का साइज़ है। इसका भी एक पीस अंदर है, ये पिछले सीज़न के घर के पट्टों को तैयार करके फिर इस सीज़न जब ये सीज़न ऑफ हो रहा था तब तक ये तैयार हो गए थे, तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर। उसके बाद हमने पेयरिंग करी, देख सकते हैं ग्रे को चेक करें क्रीम के साथ, ग्रे को इनो के साथ, इस तरह से काफ़ी हद तक क्रॉस पेयरिंग करी है। 4 पेयर यहाँ पर डाले मैं, वी पाइट का है पीस देख सकते हैं, फुल वी पाइट नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अब मेरे सेटअप में वी पाइट भी आ चुके हैं, वी पाइट क्रीम वी पाइट, उस पर भी वर्किंग अभी करेंगे आने वाले सीज़न में। वी पाइट के 6 होंगे अपने पास, ये स्टार्टिंग के बहुत पुराने पेयर हैं जो मेरे व्यूअर्स जो देखते रहते होंगे वीडियोस वगैरह, तो उनको पता होगा ये मेरे स्टार्टिंग के जो हैं 3 केजीस हैं, इनसे मैंने लगाए हुए हैं। ये चेक करें कुछ अंदर हैं तो इसका मतलब उन्होंने अंडे दिए हुए, बच्चे निकाले हुए, मिक्स हुआ हुआ इस तरह से देखें। इसने मुझे माशाल्लाह से ऑफ सीज़न के अंदर गर्मियों के अंदर भी 3-3 बच्चों की एवरेज दी है। ये फीमेल बाहर बैठी हुई है, ऑफ फोन का मेल है, बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन है, फीमेल जो है मेरे घर की है और मेल जो है मैं बाहर से परचेस करके लाया था। ये बिल्कुल बच्चे जो है इसी मेल पे जाते हैं, तकरीबन मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, इसने मेरे को तकरीबन 3 से 4 क्लच दिए, इतने ही बच्चे मेल पे जाते हैं। ये देखें ये भी एक बच्चा बाहर आया हुआ है, इसी तरह से यहाँ चेक करें आप, इनो इनो मेल है, रेड आई क्रीम फीमेल, तो 2 बच्चे, एक क्रीम और एक इनो मिक्स। इसी तरह से एक ये वी पाइट इनो वी पाइट है, लेकिन प्योर नहीं है, लेकिन वी पाइट क्रॉस है, जैसे कि आप कह लें इनो पाइट और क्रीम की फीमेल। ये देखें लोटिनो फीमेल, मतलब फुल येलो और वाइट कलर का मेल, अभी पेयरिंग करी है इस सीज़न के लिए, क्या रिजल्ट आता है। इसी तरह से यहाँ पे ये मेरे सेटअप में एक पेयर है, ब्रीडर पेयर, जिसे मैं रिमूव कर रहा हूँ अपने सेटअप से, ये है इनो रेड आई का पेयर, इसके काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास सेटअप के अंदर, जितने भी आप देख चुके हैं, और मज़ीद मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ इसकी चिक्स, इसके भी और मज़ीद और के भी बहुत अच्छे साइज़ के अंदर है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, बच्चों की एवरेज अच्छी है, 2 से 3 बच्चों की एवरेज होती है। ब्रीडर पेयर है मेरा ये, इसे रिमूव करना है सेटअप में से अभी, तो क्योंकि ये दोनों इनो हैं, अब जो है मैं क्रॉस पेयरिंग पे काम कर रहा हूँ, तो इसलिए इसके असर मैं इस पेयर को मिक्स कर रहा हूँ।
किसी भी व्यूअर्स को चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पे। इसी तरह से यहाँ पे ये मशीन मेरे तकरीबन 12 पेयर यहाँ पे लगे हैं जो पुराने हैं, ब्रीडिंग पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब दिखाता हूँ आपको नई पेयरिंग आप देखें, क्रीम और वाइट कंट्रोल, ये आप चेक करें वाइट क्रीम का पीस। इसी तरह से एक वो पेयरिंग, एक ये पेयरिंग, इसी तरह से यहाँ पे भी काफ़ी हद तक जो पेयरिंग है मेरे पास वो क्रीम पाइप की है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वी पाइप, जो वी पाइप मेरे सेटअप में अभी निकला है इन्हीं पाइप में से आप चेक करें पल वी पाइप का मेन क्वालिटी आप चेक करें माशाल्लाह से। इनो के साथ क्रॉस करा ताकि इनो वी पाइप निकलने में कुछ चांसेस बने जो मेरे सेटअप में नहीं है। जितने भी मैंने ये पेयरिंग करी है क्रीम पाइट इन्हीं के रिजल्ट में मुझे ये मिला है वी पाइट, पल वी पाइट, ये चेक करें आप क्रीम वी पाइट आप चेक करें मेरे सेटअप में माशाल्लाह से। पहले ऐसा पीस बिल्कुल नहीं था, अब मिला है, वर्किंग करिए तो ऐसे बर्ड्स निकले हैं सेटअप में। अब पल क्रीम देख सकते हैं, पल पाइट, वाइट क्रीम, इसी तरह से अब नई पेयरिंग पे काम होने जा रहा है। इस वर्किंग पे पहले भी एक पेयर लगाए हुए थे मेरे पास जो पल और इनो का क्रॉस चेक कर रहा था, तो वहाँ से मुझे तकरीबन वो इनो पल के चांस नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने मज़ीद दो पेयरिंग और करी हैं। देख सकते हैं ये लाइट पल की फीमेल है, ये देखें, और ये आप चेक करें ये डार्क पल की फीमेल है, इसको भी इनो के साथ क्रॉस करा है। इस तरह से पेयरिंग बनाइए, यहाँ पे इनो वो अपना क्रीम पाइट, इस तरह से क्रीम पाइट एक बजरी का पेयर घूम रहा है, इसके अंदर बेड़ी कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक पेयर है जो अंदर बैठा हुआ है मटकी में। तो ये सब पेयर है यहाँ पे, ये मेरा कॉकटेल के पट्टों का फ्लाइंग केज है, यहाँ पे रेडी करता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास एक वी पाइट का पीस बैठा हुआ है, दो क्रीम और चार इनों के, ये घर के रोके हुए बच्चे हैं, इनको रेडी कर रहा हूँ ब्रीडिंग के लिए, इस सीज़न में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये इनसे ब्रीड लेंगे। कुछ इसमें हैंड टेम है, इनके पेरेंट्स ने ऑफ सीज़न के अंदर फीड कराना छोड़ दिया था, तो फिर हमने इन्हें उठा के केटी की फीड यूज़ करा के इन्हें वो करा फिर सेट कर लिया। अब हम इसे मज़ीद जो है अब इसमें सेटअप में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ पर दिखाता हूँ आपको जो पीसीस हैं अवेलेबल जो सेल आउट पे हैं वो सब हैं, इसमें ग्रे भी हैं और फोन भी हैं, फोन और इसी तरह से इसमें पाइट के दाने भी हैं, इसमें तीन वैरायटी हैं, ये रेडी टू ब्रीड हो चुके हैं, मेल फीमेल की कंफर्मेशन है इसके अंदर, ये तैयार पीसीस हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। तो इससे छोटे ये वाले हैं जो अभी वाले टाइम पे आए थे, इसमें माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी है, इसमें जो है पाइट के दाने और माशाल्लाह से पल के दो दाने हैं। अब की बार जो सेल आउट पे देखें पल का पीस, ये रहा एक पल का पीस, वो आप चेक कर सकते हैं कोने पे, ये पाइट है, कुछ भी पाइट है, क्रॉस है, जैसे सामने बैठा हुआ पल के साथ एक दाना देख सकते हैं, ये छोटे पीसेस हैं। इसी तरह से कुछ क्रीम के भी हैं छोटे पीसेस। क्या हो गया सर, ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं कभी कभार, इसमें थोड़े बड़े पीसेस हैं फोन पाइट मिक्स है इसके अंदर, ये भी हैं कुछ सेल आउट पे कॉकटेल के, ये बर्ड्स जो हैं अभी मेरे पास पट्टे वगैरह ये सब सेल आउट पे, मज़ीद और भी जो आने वाले हैं इंशाल्लाह इसका वहाँ पे तो वो भी कवर करेंगे उनको भी। तो इस सीज़न में इंशाल्लाह काफ़ी बर्ड्स होंगे सेल आउट पे, पट्टे वगैरह ही होंगे ज़्यादातर, ब्रीडर पे तो बहुत मुश्किल है, ब्रीडर का सिर्फ एक ही पेयर है जो आपको शो कराया मैंने अपना इनो का, तो उसके अलावा और जो है ब्रीडर पेयर अभी सेल आउट पे नहीं है। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ केज शॉर्ट होने की वजह से एक पेयर को यहाँ रखा हुआ है, ये है क्रीम का मेल और
फोन पल के अंदर, फोन फोन पाइट की फीमेल है ये, फोन पाइट ये बड़ी अच्छी फीमेल है, ब्रीडर प्यार है। एक आध क्लच दिया था पिछले सीज़न में, अब इसका भी रिज़ल्ट चेक करेंगे आने वाले सीज़न में। तो अब ये है कि वहाँ पे स्टार्टिंग वाले केज में आपको दिखाया कि मैंने 8 पोर्शन के अंदर 8 पेयर सेट करे हैं, तो उसके लिए भी मुझे केज चाहिए तो अपग्रेड करना है, क्योंकि उसमें 4 पेयर रिमूव करने हैं और कुछ यहाँ पर हैं जो तैयार हो रहे हैं पीसेस, इनकी भी पेयरिंग करनी है। हो सकता है अगर मुझे केज मिल गए, अल्लाह ने चाहा अगर मुझे केज मिल गए, तो ये जो ऊपर रेडी टू ब्रीड पीस हैं इनमें से हो सकता है मैं 1-2 पेयर मज़ीद अपने सेटअप में बढ़ा लूँ, हो सकता है इंशाल्लाह ऐसा भी। अगर केजेस शॉर्ट हुए तो सेटिंग नहीं बन पाई, तो फिर जो मेरे वो पेयर हैं उनके लिए मुझे केज चाहिए, तो पहले मैं वो अपना कंप्लीट करूँगा एरिया, उसके बाद जो है मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में बस थोड़ी सी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखानी थी और पेयरिंग किस तरह से करनी चाहिए वो आपको दिखाई दी। प्योर पेयर पे बहुत कम वर्क कर रहा हूँ मैं, जैसे कि बिल्कुल क्रीम और बिल्कुल इनो इस टाइप के पेयर पे कम काम कर रहा हूँ। हैं सेटअप में, ये नहीं कह सकता कि नहीं है, ये आप देखें ये भी लगा हुआ है माशाल्लाह से, 4-5 बच्चे के भी देते हैं और इसमें से मुझे इनो पीस भी निकलते हैं। चलें ज़रा आपको इसकी ब्रीड भी चेक करा देता हूँ। ये देखें ऑफ सीज़न के अंदर ब्रीड मिल रही है माशाल्लाह से। अब सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है, अगस्त का बिल्कुल लास्ट है, सितंबर ब्रीडिंग का सीज़न है, अब ब्रीड हमें मिलने वाली है इंशाल्लाह नए नए जोड़ों से जो, और इसी बहुत कट शॉर्ट टाइम है मेरे पास जिसके अंदर मुझे जो है अपना केजेस अरेंज करके मज़ीद जो है ब्रीड लेनी है। तो यहाँ पे भी 2 फोन के हैंटन पीस हैं जो अभी फीड पे ही चल रहे हैं, वो भी दिखा दूँ आपको। ये देखें इनके पेरेंट्स ने थोड़ा वहाँ पे इशू कर दिया था तो इनको हैंड फीड पे लिया हुआ है। मेरे सेटअप में काफ़ी हद तक कुछ भी ऐसे ऐसे हैं जो हैंड फीड पे मैंने रेडी करके उनको वो करा हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एक मेल घूम रहा है पाइट का, और ये पाइट का मेल है, इसको मैंने अपना जैसे कि सिंपल पाइट के मेल को इनो के साथ क्रॉस करा है। यहाँ पे भी काफ़ी पेयरिंग चेंज वगैरह करी है ताकि ब्रीडिंग अच्छी मिल सके आने वाले सीज़न में। तो बस यही है आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सपोर्ट और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए बर्ड्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।